ब्लॉग में आज मैं बनाऊंगी रसीली प्याज। तो देखो दोस्तों मैं किस तरह से रसीली प्याज बनाऊंगी। अब मैं प्याज को छील रही हूँ, छीलने के बाद इसको मैं निकालूंगी ऊपर का जो होता है हिस्सा। प्याज मैंने निकाली है, अब मैं इसको काट लूंगी छोटे छोटे टुकड़ों में। काटनी है, अब हमने प्याज का दूसरा टुकड़ा ले लिया काटने के लिए। हमारी कट चुकी है, छोटा सा टुकड़ा बचा है काटने के लिए, हम इसे भी काट लेंगे। ये देखो कितनी अच्छी प्याज लग रही है, कितनी अच्छी तरह से काटी है। अब मैं प्याज को धो लूंगी। इस तरह से प्याज को धोते हैं। अब मैं इसमें निकाल के रख लूंगी प्याज को। प्याज धुल चुकी है। आपको मसाले बताते हैं, प्याज बनती है तो मसाले कौन से पड़ते हैं। तो ये हल्दी है, ये मिर्च धनिया है और ये लहसुन है, ये चार मसाले डालते हैं। और गरम मसाला हम पैकेट वाला डालेंगे, पिसा हुआ है इसलिए हमने नहीं डाला है। ये देखो अब हम लहसुन, ये देखो अब हम धनिया और हल्दी पीस रहे हैं। हमारा मसाला पीस चुका है, अब हम मसाले को इकट्ठा कर लेंगे। कितनी अच्छी तरह से हमारा मसाला पीस गया है। देखो अब मैं मसाले इकट्ठा कर रही हूँ। अब मैं चूल्हे पर कढ़ाई रख लूंगी, आग मैंने जला ली है। कढ़ाई मैंने रख ली है, अब मैं तेल लगाऊंगी। हमने थोड़ा सा तेल लगाया है, अब हम इसमें प्याज को तल लेंगे। इस तरह हम प्याज को चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो प्याज जल सकती है और बेकार भी हो जाएगी। ये देखो हमारी प्याज तल चुकी है, इस तरह की हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने प्याज निकाल ली है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल और लगाएंगे, मसाला भून जाए इसलिए। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें मसाला छोड़ेंगे, ये हमने पिसा हुआ मसाला इसमें डाल लिया है।
हमारा मसाला कितना अच्छा भुंज रहा है, भुंजने वाला है, जल्दी ही भुन जाएगा। मसाला हमारा भुन चुका है, प्याज डाल देंगे। अब हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज हमारी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। हमारी प्याज पक चुकी है, अब हम इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए रखने देंगे हम इसको, बन जाएंगी, फिर आपको दिखाएंगे उतार के। आज हम चावल की रोटी बनाएंगे। चावल की रोटी और प्याज बहुत अच्छी लगती है, आप बना कर देखना। हमारी सब्जी बन चुकी है, काफ़ी देर हो गई सब्जी को बनते बनते, अब हम सब्जी को उतार के रख लेंगे। अच्छी सब्जी बन गई है, अब हम रोटी बना लें चावल की। मैं ये कड़ी उतार के रख दी हूँ, क्योंकि आटा मारने में दिक्कत होगी इसलिए। अब मैं चावल का आटा गूंथ रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आटा गूंथने में, सफेद सफेद आटा है। गेहूं के आटे ऐसे बिल्कुल भी नहीं भुना जाता है, ये आटा टूटता बहुत जल्दी है। इस तरह का आटा हो जाता है मार के। ये इसकी लोई इस तरह से बनाई जाती है। पानी में हाथ भिगो के इस तरह से रोटी बनाई जाती है इसकी, आराम आराम से। रोटी हमारी बड़ी हो चुकी है, अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। तवे पर हो चुकी है रोटी, अब हम इसको डाल देंगे तवे पर। अब हम इस रोटी को चूल्हे में सेक लेंगे। रोटी हमारी सिक चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आप भी अपने घर सब्जी ना हो तो इस तरह की सब्जी बनाकर खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और बेल आइकन दबाना, मेरी वीडियो को पूरी देखना, आधी मत छोड़ना।